हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी में। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के कट ऑफ मार्क्स के बारे में और रिजल्ट के बारे में। इसलिए वीडियो का अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि मैं पिछले साल भी इस टॉपिक पर वीडियो ला चुका हूँ कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का कट ऑफ कितना रहता है, लेकिन हर साल कट ऑफ में पेपर के लेवल से बताऊंगा, यानी कि इस साल का जो पेपर का लेवल है फैक्टर्स ऑफ कट ऑफ मार्क्स, यानी कि कट ऑफ मार्क्स के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर कि कट ऑफ मार्क्स करता है। तो इस साल के फैक्टर्स पे बात करेंगे, पारा फैक्टर्स है कैटेगरी वाइज, यानी कि कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी कि कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। थर्ड पेपर लेवल यानी कि पेपर का लेवल कैसा था, हार्ड था, इजी था या मीडियम था। नेक्स्ट है अटेंडेंस यानी कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और लास्ट है रिजर्व कैटेगरी यानी कि कुछ कैटेगरी को रिजर्व भी कर दिया जाता है। तो इन सभी को एनालिटिक्स करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अब मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, इस साल के पेपर का लेवल का बात करें तो मैथ का तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी था। मैंने आपको सबसे ज़्यादा बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रेफर कीजिए। जिन्होंने मेरा बात माना उन्होंने किया तो ठीक है, ये नहीं कि आपने प्रीफर नहीं किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैथ का हार्ड था, ये नहीं हो सकता। मैथ का 90% पेपर इजी था, ठीक है। साइंस का देखते हैं तो 60% इजी था, 40% कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अपर लेवल के थे। SST में 70% क्वेश्चन ईजी थे, 30% हार्ड। इंग्लिश में 85% ईजी, 15% हार्ड। हिंदी में 65% ईजी था, 35% थोड़ा हिंदी में हार्ड था। ओवरऑल अगर पेपर का मीडियम देखा जाए सभी को मिला करके, तो आपका पेपर का मीडियम जो मीडियम में पेपर था, ठीक है, आपका पेपर कह सकते हैं कि एक ज़्यादा ना हाई लेवल का था ना इजी लेवल का था, आपका पेपर मीडियम में था। अब हम लोग बात करेंगे कि अब कितना कट ऑफ जा सकते। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में इतना आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ में आपका 30 से 35 आ रहा है तो आपका चांस है। अब नेक्स्ट है साइंस में, अगर आपका 50+ आ रहा है, ये सभी मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में इतना लाना जरूरी है, आपको ओवरऑल 150 में से मार्क्स लाना है। नेक्स्ट है साइंस में 50+, SST में 8, हिंदी में आपके 24 से 25 के बीच, इंग्लिश में 25, यानी कि ये लगभग मिनिमम आपको एक ऐसा मार्क्स आना चाहिए जिससे आप पास हो सके। और सभी मिला जुला कर जो आपका मार्क्स है 110 के प्लस में है तो आपका चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स चाहिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने। तो अब देखिए, अब हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो पहला कैटेगरी जो है वो यूअर कैटेगरी है, यूअर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ सबसे हाई जाता है, 120-130 के बीच भी चला जाता है। नेक्स्ट है BC कैटेगरीज, BC कैटेगरीज में आपका 110 प्लस जाता है, EBC कैटेगरीज में 100 प्लस, EWS कैटेगरीज में 95 प्लस, SC कैटेगरी में 90 प्लस, और हैंडीकैप सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है हैंडीकैप PH का, जिनका कि 70-80 के बीच चला जाता है। तो ये रही कट ऑफ की बात। और देखिए, ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मत कहिएगा कि मेरा इतना पर सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरा इससे कम ही में सिलेक्शन हो गया। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हर साल के हिसाब से मैंने पेपर के लेवल के एक अंदाज़ा से कह रहा हूँ कि इतना एक्सपेक्ट अगर इसके लगभग में आ रहा है ना, अगर मान लीजिए आपका 100-110 के ऊपर आया है तो आप सेफ है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आप सेफ है। लेकिन कुछ कैटेगरी आज ऐसे ही है जिनको रिजर्वेशन दी जाती है, जिनके कारण उनका कम ही मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये रही बात। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।